नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज हम जा रहे हैं कोकलितम गन शूटिंग के लिए. गन शूटिंग होती है, रियल गन्स होती हैं वहाँ पे, तो मैं दिखाती हूँ आपको. आ जाओ. सो पहले तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. शेयर करना प्लीज़, क्योंकि ये मेरी आई थिंक मैं सेकेंड टाइम बोल रही हूँ इस वीडियो में. जितना शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, उतना मैं और वीडियोस बनाऊंगी, उतना और बोलूंगी. हाँ, थोड़ा सा कम, इतना अच्छा नहीं बोल पा रही हूँ अभी, बट आई ट्राई माई बेस्ट. सो गाइज, एक अच्छी सी आज बनाने की कोशिश की है वीडियो एंड रिकॉर्डिंग. आज जो दिखाती हूँ आपको. अरे रंजना, अभी जब हम अंदर जाएंगे ना, तो तू रिकॉर्ड कर लेना वो जितने भी गन से रिवॉल्वर से, ताकि सबको पता लग जाए. सो आज हम आए हैं शूटिंग के लिए, DVC इंडोर शूटिंग. ओके, सो इसमें क्या होता है अमन, बताओ जरा. DVC इंडोर शूटिंग में आप विदाउट लाइसेंस शूटिंग कर सकते हैं के सेंटर में. ओके. आपको कोई प्री बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वॉकिंग इज अलाउड, बट ये बात हमेशा याद रखिए कि वीकेंड्स में बहुत भीड़ होती है. वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स. भाई सीधी सीधी बात है, 2 घंटे आराम से बाहर लाइन में खड़े हो, खाने पीने का लेके आओ. अंदर भी आराम से 45 मिनट बोला उन्होंने, ठीक है, कि लगेंगी लगेंगी, तो आराम से 5 घंटे अपने निकाल के आओ. 45 मिनट्स के बाद हमने ऑलरेडी जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थे, उन्होंने हमको सारा बता दिया था कि ये सारे पिस्टल्स हैं, रिवॉल्वर्स हैं, और डेजर्ट ईगल्स हैं, राइफल्स हैं, कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं और कितनी कॉस्ट है. तो हम दोनों ने बुक किया है पिस्टल के लिए. तो ऑलरेडी डिसाइड करके आया था कि डेजर्ट ईगल चलाऊंगा. वो एक शॉट है, एक राउंड है $8 का. तो मैंने 2 शॉट्स लिए हैं और अंजना के भी 2 शॉट लिए हैं, तो 32 हो गए. और उसके बाद रिवॉल्वर का है 40 राउंड्स ईच, और हमने किया राइफल्स में 20 राउंड ईच. भाई मैंने तो पहली बार चलानी है, ठीक है, अब पता नहीं कैसे चलानी है कैसे नहीं. सिखाएंगे और ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद चलाएंगे. सो ये काउंटर है जहाँ पे आपकी एंट्री होती है, देन आपको गन्स देते हैं ये सिलेक्ट करने के लिए. आप राउंड सिलेक्ट कर सकते हो, आपने 40 राउंड, 20 राउंड, 1 राउंड, जितना भी होगा सब कुछ गाइड करके बताते हैं ये यहाँ पे. फिर साइजेस होते हैं, MM में होते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. अच्छा है. हम बाहर आए थे भी बुकिंग करवा के कॉफ़ी लेने के लिए, और कॉफ़ी लेके अभी हम अंदर चले जाएंगे. तैयारी, वापस जाने की तैयारी. रूम में आ गए हम, जहाँ पे शूटिंग होनी है, हमारे गन शॉट्स होने हैं. हमारा गाइड है सामने, 5 और 6 नंबर है हमारा. अब ये गाइड हमें बता रहा है कि कैसे क्या क्या करना है. एंड अमन इज़ रेडी शूट करने के लिए, और ये गए. अब ये मेरी टर्न है और गाइड मुझे बता रहा है कि कैसे क्या क्या करना है. मैंने तो पता नहीं क्या ही करना है, मैं सच में कुछ और करने वाली हूँ. ये लोड की मैंने गन, और ये शॉट जो मैंने पहला किया ना, लिटरली ये मेरे वाला शॉट मेरे में नहीं था. 4 शॉट तो मैंने इधर उधर ही मारे हैं, मुझे पता भी नहीं कहाँ मारे हैं. आई थिंक 5th और 6th शॉट मेरा कहीं ऊपर वाइट पेपर पे लगा था जाके.
अमन के शॉट एकदम लाइक हेड शॉट, सेंटर शॉट, शोल्डर शॉट एकदम प्रॉपर लगे। एंड में दोनों के रिपोर्ट कार्ड सामने आने वाले हैं कि किसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। बट अमन ने बहुत अच्छे शॉट मारे हैं, लाइक कहते हैं ना एम करना टारगेट को एंड देन शूट करना, इट वॉज अमेजिंग, रियली नाइस। आई थिंक अमन का भी ये फर्स्ट टाइम था जहाँ इस सेंटर में हम गए थे, बट बहुत अच्छा शॉट किया था। मैं तो भाई खुद पे ही हंस रही थी कि ये कर क्या रही हूँ मैं। गाइड भी ऐसे देख रहा था कि वाह कहाँ शॉट कर रही है लड़की। बट बाद में मेरे को थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कहाँ कैसे शॉट करना, तो मैंने वो शॉट वहीं पे मारा। गन शॉट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वीडियो में तो नहीं आ रही होगी बट रियल में बहुत ज़्यादा, एकदम लाइक रियल शॉट जैसा होता ना धुम, वैसे आवाज़ थी। और ये अब हम जा रहे हैं वापस जाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, बट वहाँ पे अभी भी लाइन लगी हुई है, लोग वहाँ पे अभी भी आए हुए हैं जो खड़े हुए हैं। आई थिंक उनको भी 2 घंटे और लगेंगे, बट ये रात के 1 बजे तक ओपन रहता है। प्लस गर्ल्स वीमेंस के लिए थर्सडे हाफ प्राइस है, 50% डिस्काउंट है। सो एंड प्लस आप सिंगल नहीं अलाउड करते हैं ये एज़ पर देयर वेबसाइट, तो आप लाइक 2 पर्सन आ रहे हो, 3 आ रहे हो, 4 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, जितने मर्जी आ जाएं, बट सिंगल नहीं। सो दैट्स द थिंग। With the shotgun, you see that bead? You want it flat with this section here, just above the section. If you see the barrel, it means you're aiming too high. Yeah, that's good. बताइए कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, एंड ऐसे करो। जैसे मेरे लिए तो हाँ कुछ एक दो ऐसी गन थी जो हैवी थी, बट वो भी उसने बड़े अच्छे से बताई कि अच्छा अगर आपको हैवी लगेगी वो, तो आप ऐसे रख के ऐसे चला लेना, बहुत अच्छा सीरियसली। सो आओ, प्लीज़ आओ, एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करो, इन्जॉय करो। बाय बाय।